व्यापारी साहिल अग्रवाल ते उसके पिता हथों 13 लाख की ठगी का शिकार हुए अमृतसर के लोगों ने इंसाफ की मांग लई एक मांग पत्र अमृतसर के कमिश्नर पुलिस दफ्तर पहुंच रिशभ मल्होत्रा नूं सौंपिया। लोगों ने दसिया कि साहिल वालों करियाने का सम्मान लिया जाता सी ते हौली हौली उधार इन्ना वध गया कि उसकी रकम 13 लाख तक पहुँच गई, जिस तो बाद साहिल ते उसका पिता दोवें घर नूं ताला लगा के किते फरार हो गए ने। उत्थे हैरानी वाली गल है कि जो एक धिर साहिल की शिकायत लैके कमिश्नर दफ्तर पहुंचा तो उत्थे होर भी लोग पहुँच गए सी जो भी साहिल की ठगी का शिकार हुए सन। ठीक है, जिन्हां नाल लगभग 13 लाख की ठगी बची है, एवीएस थोड़ा थल्ले करियो, जिन्हां नाल 13 लाख समथिंग की ठगी बची है, यह शख्स है साहिल अग्रवाल। ये पिता ने लगभग लोगों को करोड़ों की ठगियां मारिया ने। जिहड़े साहिल अग्रवाल ने वो इस वेले फरार चल रहे ने, मिल नहीं रहे किसी भी करना, किसी का फोन चुक रहे ने। आपां अपने क्लाइंट के बिहाफ से एप्लीकेशन देन आए हैं। इतने आने से सानू पता लगा है कि मतलब उन्होंने साडे क्लाइंट कोई नहीं, लगभग लोगों को 5-7 करोड़ की ठगी मारी है ते फरार ने। जी है जुझार सिंह एवन्यू के रहने वाले ने, ते इन्हां दी जिहड़ी दुकान है फरीद चौंक फरीद है, अग्रवाल जनरल स्टोर है, ते नाल एक बांके बिहारी ट्रेडर्स है। सर आप किथे आए ने, की इह आश्वासन दित्ता गया जी? आशीष जी कमिश्नर साहब के सामने पेश हो आए हैं, तो कमिश्नर साहब नूं रिक्वेस्ट करांगे कि इन्हां दे उत्ते 400 रुपये का परचा किया जाए। ठीक है जी, तो नाल इन्हां दी जमीन जो भी है, इन्हां दा दुकान है, उसनूं उसकी कुर्की की जाए, नाल अटैच की जाए, तो उन्हूं कुर्की करके जो लोगों का बनता पैसा वो दिता जाए। देखो जी, ये साढ़े क्लाइंट गए सी लेकिन घर भी बंद है, आस पास के लोगों को पता लगा कि लोग होर भी पैसे मंगन आ रहे हैं, लेकिन घर तो 15 से 20 दिन हो गए ने फरार है। 10 साल तो व्यापारी तो पिछले 3-4 साल साढ़े चल रहा है जी, साडा बिजनेस कोई माल आ जा रहा, अं माल भी लेंगे, तो माल देने भी हाँ, उस तो बाद पैसों का भी हिसाब से साढ़े मेरे करंट अकाउंट से भी इन एंट्री गई है, वो भी सारे पैसे भी 22 फरवरी में जो एंट्री गई है, उस तो बाद इन्हें साढ़े जो पैसे है दे रहे हैं जी, लॉकडाउन लग गया जी, बस इस तरह करता रहा वा, तो इस बाद इन्हें साढ़े जो पैसे मतलब तोड़े पुराने तालुकात है ना बिजनेस है, पुराने तालुकात है भाई जी, और ये कुछ फॉरन 40 साल तो पिछले काम कर रहे पुलिस दे जो आ रहे हैं रेट फादर और तू सीपी साहब दफ्तर आए जे की मांग कर दे। असि सीपी साहब पर यही मांग करते हैं कि साडा जरा हिसाब लाया जावे, इन लड़के नु जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जावे, तो साडे पैसे जेड़े हैगे आ साडे सारे दे अमृतसर तो हरदेव प्रिंस रिपोर्ट।